हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू क्लास इंग्लिश सिंप्लीफाइड एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर नंबर 4 है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट फैक्टर्स मेड आइंस्टाइंस लाइफ इन म्यूनिक मिजरेबल, के कौन से फैक्टर्स थे जिसने आइंस्टाइंस की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा दुखदायी बना दिया। व्हाट डिड ही रियलाइज आफ्टर 6 मंथ्स, और उसने 6 महीने के बाद कैसा महसूस किया। तो आंसर होगा, टू फैक्टर्स मेड आइंस्टाइंस लाइफ इन म्यूनिक मिजरेबल, कि मिजरेबल रहा उसके लिए म्यूनिक में, जो कि दो फैक्टर्स थे उसने उसको सबसे ज़्यादा परेशान किया म्यूनिक के अंदर। वन रीज़न वॉज द इन्वायरमेंट ऑफ हिज स्कूल, पहला रीज़न था वो इन्वायरमेंट, वो वातावरण जो कि उसके स्कूल का था। एंड द अदर रीज़न वॉज द एरिया वेयर ही लाइव, और दूसरा एरिया वो था जहाँ पर कि वो रहा करता था। तो ये जो दोनों ही इन्वायरमेंट थे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी बन गए थे। तो ये जो दोनों ही इन्वायरमेंट थे स्टूडेंट्स, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी बन गए थे। फॉर एल्बर्ट द स्कूल वॉज अ प्लेस वेयर ही वॉज पनिश्ड फॉर नो रीज़न, और एल्बर्ट के अकॉर्डिंग क्या था स्टूडेंट्स, के स्कूल एक बड़ा ही अपमानजनक स्थान था जहाँ पर कि उसे बिना किसी कारण के पनिश्ड किया जाता था, बिकॉज ही कुड नॉट फिट इन टू द स्कूल इन्वायरमेंट, क्योंकि वो स्कूल के इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था। ही वॉज कंसिडर्ड अ रिबेलियस स्टूडेंट इन द स्कूल, वो स्कूल में एक विद्रोही छात्र माना जाता था। आइंस्टाइन फाउंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन अनप्लीजेंट एंड द टीचर्स क्रूरल, और आइंस्टाइन ने क्या पाया कि स्कूल के सिस्टम में जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही अनप्लीजेंट था, जो कि उसे खुशी प्रदान नहीं करता था, और उसके साथ साथ जो टीचर थे वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे। उनके अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट नहीं चलते थे तो वो किसी भी हद तक जाते थे। तो स्टूडेंट, ये जो स्कूल का वातावरण था ये एल्बर्ट के लिए एक बहुत ही दुखदायी स्थान था। सेकेंड प्रॉब्लम वॉज ही हैड इज लॉजिंग इन द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक, और जो दूसरी उसकी प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि उसके जो क्वार्टर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब एरिया में थे म्यूनिक में। द फूड वॉज बैड, और वहाँ पर जो खाना था बिल्कुल बुरा मिलता था। दे आर द पीपल ऑफ द कॉलोनी यूज टू फाइट वेरी बैडली विद ईच अदर, अब जो लोग थे कॉलोनी के वो एक दूसरे के साथ बहुत बुरी तरह से लड़ा करते थे। एंड यूज टू एब्यूज, और गाली गलौज किया करते थे। ड्यू टू विच द इन्वायरमेंट दे आर बिकम वेरी बैड, और इसी वजह से जो वहाँ का इन्वायरमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा बैड था, बहुत ही ज़्यादा बुरा था। लैंड लेडी वुड बीट हर चिल्ड्रन, और जो उसकी लैंड लेडी थी वो अपने बच्चों को बहुत मारती थी। हर हस्बैंड वुड कम होम ऑन सैटरडे, और उसका जो हस्बैंड था वो हर शनिवार घर वापस आता था। ही वुड गेट ड्रंक एंड बीट हिज वाइफ, और उसके बाद वो शराब पीकर अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह से पीटता था। द यंग स्टूडेंट्स यूज टू फाइट विद ईच अदर, और जो स्टूडेंट्स वहाँ रहते थे वो एक दूसरे से लड़ा करते थे। एंड कमिट मर्डर, और यहाँ तक कि वो एक दूसरे का मर्डर भी कर देते थे। एंड द स्कार्स ऑन देयर फेसेस मेड them feel proud, और उनके चेहरे पर जो चोट के निशान पड़ जाते थे, चाकू के जो कट पड़ जाते थे, वो उनको बहुत ही ज़्यादा proud feel कराया करते थे। यंग स्टूडेंट्स वर कंसीडर्ड विनर्स, और ऐसे ही स्टूडेंट्स जिनके चेहरे पर मारकाट के निशान होते थे और जो किसी की हत्या तक कर देते थे, उनको एक विनर विजेता के रूप में कंसीडर्ड किया जाता था। वन स्कूल एंड वन एनवायरमेंट ऑफ हिज होम, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स हिज लाइफ हैड बिकम लाइक हेल, और ये जो दो रीजन थे, एक तो उसके स्कूल का एनवायरमेंट और दूसरा उसका घर जहाँ पर कि वो रहता था, तो इन दोनों ही कारणों ने स्टूडेंट्स उनकी लाइफ को एक नरक के समान बना दिया था। तो जो यंग एल्बर्ट था उसके लिए ये दोनों ही रीजन बहुत ही ज्यादा दुखदायी बन गए थे। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।